Hello everyone, we are going to design a PDA for a language in which there is a string and the input alphabets are A and B only, and number of A in W is equal to number of B in W. It means the string में A और B की जो संख्या है वो सेम होगी. ये हमारे प्रीवियस एग्जांपल ए पावर एन और बी पावर एन से थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ पे ये था कि पहले ए जाएंगे देन बी जाएंगे, लेकिन इस केस में ये जो लैंग्वेज हमने यहाँ पे पिक की है, इस केस में एज कहीं पे भी आ सकते हैं, बीज कहीं पे भी आ सकते हैं, बट रेस्ट्रिक्शन ये है कि नंबर ऑफ ए विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ बी. फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हमारी एक स्ट्रिंग है ए बी, तो ये लैंग्वेज का पार्ट है. एक स्ट्रिंग है मेरी बी ए, ये भी लैंग्वेज का पार्ट है क्योंकि ए और बी सेम है. एक स्ट्रिंग है मेरी ए बी, ये भी लैंग्वेज का पार्ट है. एक मेरी स्ट्रिंग है बी डबल ए बी, ये भी स्ट्रिंग का पार्ट है. मेरी स्ट्रिंग है बी ए बी, सॉरी इसको ले लेते हैं ए डबल बी ए. सो ए डबल बी ए, सो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द लैंग्वेज. इसी तरह से बी ए बी ए, ये भी मेरे लैंग्वेज का पार्ट हो गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ. ये एक इनफिनिट लैंग्वेज है, तो इसमें नंबर ऑफ एज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ बीज. तो इसका पीडीए कैसे डिजाइन किया जाए, मान लीजिए कि हमने एक स्ट्रिंग पिक की ए बी ओके. सो स्ट्रिंग मैंने स्टैक से स्टार्ट किया और इसमें ए आया तो मैंने स्टैक पे पुश कर लिया, बी आया जो कि अपोजिट सिंबल है ए के, तो मैं ए को पॉप कर लेता हूँ. तो मुझे डिफरेंट सिंबल अगर मिला स्टैक के टॉप से तो मैं इसको पॉप कर लेता हूँ. फिर इसके बाद मुझे ए मिला, स्टैक एम्प्टी है तो मैंने ए को फिर से पुश कर लिया. फिर बी आया जो कि अपोजिट सिंबल है स्टैक के टॉप से, तो मैंने ए को पॉप कर लिया. एंड में मेरे पास स्ट्रिंग का सॉरी स्टैक एम्प्टी बचता है या फिर स्टैक पे केवल एग्जैक्ट नॉट सिंबल बचता है, तो हम कहेंगे कि ये मेरा स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि आपने स्ट्रिंग लिया बी ए, तो स्टैक एम्प्टी है और बी सिंबल आया तो मैं इसको स्टैक पे पुश कर लूंगा. ए सिंबल आया, ए मेरा अपोजिट सिंबल है जो कि स्टैक पे है, तो मैं इसको पॉप कर लूंगा. फिर बी आया, स्टैक एम्प्टी है, मैंने बी को पुश कर लिया. फिर ए आया जो कि अपोजिट सिंबल है, अपोजिट मीन्स कि जो टॉप ऑफ स्टैक से मैच नहीं करता, तो मैं इसको पॉप कर लूंगा. एंड में स्टैक एम्प्टी है या स्टैक में केवल जेड नॉट सिंबल बचता है, तो मैं कहूंगा कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई. तो रूल मैंने यहाँ पे क्या सेट किया है, पहला रूल ये कह रहा है कि अगर स्टैक एम्प्टी है तो चाहे ए सिंबल आए चाहे बी सिंबल आए, मुझे उसे पुश कर देना चाहिए. दूसरा ये मैंने रूल इस्टेब्लिश किया कि अगर स्टैक के टॉप पे ए है और बी आ जाए, सॉरी अगर ए सिंबल मेरा इनपुट है और स्टैक के टॉप पे बी है, तो मैं पॉप करूंगा. इसी तरह से अगर बी इनपुट सिंबल है और ए स्टैक का टॉप है, तो भी मैं पॉप करूंगा. अभी कुछ रूल्स और डिजाइन करना बाकी है, इसलिए मैं एक और स्ट्रिंग ले लेता हूँ बी डबल ए बी. इस केस में मैंने देखा कि बी मेरा स्टैक सिंबल है और बी मेरा स्टार्ट इनपुट सिंबल है, स्टैक एम्प्टी है, तो मैंने बी को पुश कर लिया. फिर इसके बाद ए आया तो मैंने देखा कि ये अपोजिट सिंबल है स्टैक के, तो मैंने इसको पॉप कर दिया. फिर मैंने देखा कि ए आया इनपुट में, तो ए स्टैक एम्प्टी है, मैंने इसको पुश कर दिया. और इसके बाद फिर बी आया है, ये डिफरेंट सिंबल है फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक, तो मैंने टॉप ऑफ द स्टैक को पॉप कर दिया. एंड में स्टैक में केवल स्टैक जेड जीरो सिंबल बचता है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये लैंग्वेज एक्सेप्टेबल, ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल. इवन नाउ ऑल रूल्स आर नॉट डिफाइंड, सो लेट मी डिफाइन इट वंस अगेन. सो लेट्स से आई हैव ट्रिपल ए एंड ट्रिपल बी. सो इसमें जो ए है, जब सिंबल आया स्टैक एम्प्टी है, तो मैंने इसको पुश कर दिया. फिर मेरे पास एक ए और आता है, तो स्टैक के टॉप पे अगेन ए ही है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पुश कर दूंगा. इसका मतलब क्या है कि सेम सिंबल आने पे मैं पुश कर दूंगा. फिर इसके बाद मेरे पास ए है, तो सेम सिंबल आया स्टैक के टॉप के, तो मैंने इसको पुश कर दिया. जब बी आएगा तो ये डिफरेंट सिंबल है स्टैक के टॉप से, मैं पॉप करूंगा. बी आएगा, डिफरेंट सिंबल है स्टैक के टॉप से, मैं इसको पॉप कर देता हूँ. फिर बी आया, डिफरेंट सिंबल है स्टैक के टॉप से, मैं इसको पॉप कर देता हूँ. एंड में मेरे पास स्टैक एम्प्टी बचेगा या केवल जेड नॉट सिंबल बचेगा. तो जेड नॉट सिंबल बचने का मतलब ये कि मान रहे हैं कि हमारा स्टैक एम्प्टी है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये लैंग्वेज एक्सेप्ट हो गई. सिमिलरली अगर आपके पास जो स्ट्रिंग है, मान लीजिए कि स्ट्रिंग आपकी ट्रिपल ए
ट्रिपल ट्रिपल ए ट्रिपल बी नहीं, बल्कि ट्रिपल ए डबल ट्रिपल बी और ट्रिपल ए। तो इस केस में स्टैक एम्प्टी मिला इनिशियली, बी आया, मैंने इसको पुश कर दिया, एक बी और आया है, सेम सिंबल है, पुश कर देते हैं। देन बी अगेन आया और सेम सिंबल है स्टैक के टॉप से, तो ये मैंने पुश कर दिया। फिर ए आया, डिफरेंट सिंबल है, मैंने स्टैक को पॉप किया। ए आया, डिफरेंट सिंबल है स्टैक के टॉप से, मैंने इसको पॉप कर दिया। फिर ए आया, डिफरेंट सिंबल है स्टैक के टॉप से, मैंने इसको पॉप कर दिया। तो इस तरह से जो एंड में मेरा स्टैक एम्प्टी बचेगा या केवल जेड नॉट सिंबल आएगा, तो मैं इस केस में एक्सेप्ट कर लूंगा इस लैंग्वेज को या इस स्ट्रिंग को। तो आइए इसके लिए हम डिजाइन करते हैं पीडीएफ। रूल्स हमने ऑलरेडी फॉर्म कर लिए हैं। सो मान लीजिए कि मैंने अपने पास एक स्ट्रिंग लिया डबल ए डबल बी एंड देन ए बी, फाइन। ये मैंने स्ट्रिंग लिया है और इसके कोरिस्पॉन्डिंग मैं अपना पीडीएफ डिजाइन करता हूँ। इससे मेरे सारे केसेस आ जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। सो मेरे पास क्यू जीरो है और जो मेरा स्टैक एम्प्टी है, स्टार्टिंग में स्मॉल ए आया, तो अगर स्मॉल ए आया इनपुट में और स्टैक के टॉप पे जेड जीरो है, तो मैंने इस सिंबल को स्टैक पे पुश कर दिया। तो स्टैक मैंने एम्प्टी लेके चला था, जेड जीरो मतलब ए सिंबल आया, मैंने इसको स्टैक पे पुश कर दिया। फिर इसके बाद एक ए और आया, तो इसका मतलब क्या है कि स्टैक पे वही सिंबल पड़ा था जो कि स्टैक का टॉप है, जो जो कि इनपुट सिंबल है। तो इनपुट सिंबल एंड स्टैक का टॉप सेम है, तो मैं इसको स्टैक पे पुश कर दूंगा। सो एक ए और स्टैक पे पुश हो गया है। इसके बाद बी आता है, तो बी इज अ डिफरेंट सिंबल फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। तो अगर बी आया और स्टैक के टॉप पे ए है, तो मैंने क्या किया कि इसको पॉप कर दिया। पॉप को हम कैसे दिखाते हैं, एप्सिलॉन से। सो ए मेरा पॉप हो गया। देन मेरा बी आया और ये अगेन स्टैक के टॉप से डिफरेंट सिंबल है, तो ये पॉप हो जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दिया है। फिर स्मॉल ए आया और मेरा स्टैक एम्प्टी है, तो स्टैक एम्प्टी है तो मैं स्टैक के टॉप पे जेड जीरो मिलेगा और मैं इसको पुश कर दूंगा, ये ऑलरेडी डिफाइंड है। फिर बी आया जो कि डिफरेंट सिंबल है, स्टैक में अभी जेड जीरो और ए है, बी आया है जो कि डिफरेंट सिंबल है स्टैक के टॉप से, तो मैं इसको पॉप कर दूंगा जो कि ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर दिया। एंड में मेरा स्टैक एम्प्टी है, इसलिए हम कहेंगे कि ये एक्सेप्ट हो गया। लेकिन अभी मैं सारे रूल्स यहाँ पे नहीं लिखे। मान लीजिए कि स्टार्टिंग में मुझे ए की जगह बी मिलता है, तो बी मुझे मिला, स्टैक एम्प्टी है, तो मैं इसको भी स्टैक पे पुश करूंगा। तो एक रूल मैंने ये डिफाइन कर दिया। फिर सेम सिंबल मिला, मतलब कि अगर मान लीजिए कि बी इनपुट सिंबल है और स्टैक के टॉप पे भी बी है, तो मैं बी को स्टैक पे पुश कर दूंगा। फिर डिफरेंट सिंबल की जब हम बात कर रहे हैं, मतलब इसके अगेंस्ट में, तो स्टैक इनपुट सिंबल मेरा ए है और स्टैक के टॉप पे बी है, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, पॉप करूंगा, मैंने एप्सिलॉन कर दिया इसको। तो जब आपने ये सारे सिंबल्स चेक कर लिए, बाद में आया एप्सिलॉन। तो अगर एप्सिलॉन आया और स्टैक के टॉप पे जेड जीरो, इसका मतलब स्टैक एम्प्टी है, तो मैं क्या करूंगा कि इसको जेड जीरो ही रहने दूंगा, स्किप स्किप वाला एक्शन यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, एंड आई विल मूव टू द फाइनल स्टेट। सो इफ आई एम मूविंग टू द फाइनल स्टेट, इट मीन्स दैट कि ये जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो गई है। सो एप्सिलॉन जेड जीरो, इसका मतलब ये है कि एप्सिलॉन इनपुट सिंबल है, जेड जीरो मेरा स्टैक का अल्फाबेट है या स्टैक का टॉप अल्फाबेट है, टॉप सिंबल है, तो मैं इस पर कोई चेंज नहीं करता, इसको जेड जीरो ही रहने देता हूँ और फाइनल स्टेट में मूव कर जाता हूँ। तो ये मेरा पीडीए हो गया। इसके ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। तो पहला ट्रांजिशन फंक्शन, स्मॉल ए मुझे मिला, मेरे स्टैक के टॉप पे जेड जीरो था, सबसे पहले हम स्टेट लिखेंगे। सो वी आर एट द क्यू जीरो स्टेट, मुझे इनपुट अल्फाबेट ए मिला है और स्टैक एम्प्टी था, तो मैंने इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या एक्शन लिया कि मैं क्यू जीरो स्टेट में रहा और ए को स्टैक पे पुश कर दिया। सिमिलरली मैं क्यू जीरो स्टेट में हूँ, मुझे बी मिला और स्टैक का टॉप अल्फाबेट जेड जेड नॉट है, तो मैं क्यू जीरो स्टेट में रहूंगा और इस बी को स्टैक पे पुश कर दूंगा। इसके अलावा मैं मान लेता हूं कि मैं क्यू जीरो स्टेट में हूँ, ए मेरा इनपुट सिंबल है और स्टैक के टॉप पे भी ए है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मैं क्यू जीरो स्टेट में रहूंगा और ए सिंबल को स्टैक पे पुश कर दूंगा।
फिर मैं मानता हूं कि मेरे पास Q0 स्टेट पे ही हूं, मुझे B सिंबल मिला इनपुट में और स्टैक के टॉप में भी B है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग में Q0 स्टेट में ही रहूंगा और B सिंबल को स्टैक पे पुश कर दूंगा। मैं Q0 स्टेट में हूं, A सिंबल मुझे मिला लेकिन स्टैक के टॉप पे B था, तो ये डिफरेंट सिंबल है, इसके कोरस्पॉन्डिंग पॉप करना है। तो आप Q0 स्टेट में रहिए और एप्सिलॉन वो लिखने का मतलब है कि हम पॉप ऑपरेशन कर रहे हैं। फिर मैं Q0 स्टेट में हूँ, मुझे बी मिला और बी इनपुट है और ए स्टैक के टॉप पे, ये डिफरेंट सिंबल वाला एक्शन है, तो मैं Q0 स्टेट में रहा और मैं पॉप एक्टिविटी कर रहा हूँ। एंड देन मेरे पास Q0 स्टेट में हम थे, एप्सिलॉन इनपुट आया और स्टैक के टॉप पे Z0 था, तो मैं इसको Z0 ही रन देता हूँ लेकिन मूव कर जाता हूँ फाइनल स्टेट पे। सो अगर आप फाइनल स्टेट पे मूव कर गए हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो इस पीडीए के द्वारा एक्सेप्ट हो गई। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन और डिजाइन दी पीडीए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, वी विल टेक मोर एग्जाम्पल्स इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स।